हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 10 से 12 साल की गर्ल का ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो ब्लाउज की मेजरमेंट मैं स्क्रीन के ऊपर दे दी हूँ, आप देख लीजिए। अब यहाँ पे चेस्ट का चौथा भाग और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर इस अस्तर कपड़े को चार फोल्ड करके रखना है और लंबाई 12 इंच की है तो प्लस 1 इंच ऐड करके 13 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और शोल्डर 5 इंच पर निशान दूंगी और आर्मल की निशान 4.7 इंच पर निशान देनी है। अब आर्मल का लाइन को मार्किंग कर लेंगे। लाइन को मार्किंग करने के बाद गले की चौड़ाई चेस्ट का 12वां हिस्सा लेंगे तो 2.16 इंच आता है तो हम 2.2 इंच पर निशान दे देंगे। और यहाँ पर देखिए गले का गलाई की छेद दे देना है इस तरह से। अब यहाँ पर मैं गले की चौड़ाई का निशान दिया है तो गले का लंबाई 4.2 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे की साइड भी गले की चौड़ाई 2.2 इंच पर निशान दे देंगे। गले की निशान देने के बाद गले का लाइन को बनाकर गले की इस तरह छेद कर लेंगे। अब हम चेस्ट का चौथा भाग जितना होगा यहाँ पर हम एक निशान देंगे तो मैं चेस्ट 26 इंच का चौथा भाग 6.5 इंच पर निशान दूंगी और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखूंगी। अब देखिए नीचे की तरफ वेस्ट 24 इंच का चौथा भाग 6 इंच पर निशान दे देना है। टॉप्स के लिए 1 इंच और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। हमने यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे तो देखिए मैं फिटिंग की मार्किंग कर ली है और वेस्ट की सेंटर पर टॉप्स का भी मार्किंग कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ 4 इंच पर निशान लगाऊंगी और लाइन को मार्किंग करके इस साइड जो हम प्लस 1 इंच टॉप्स के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था यहाँ पर दोनों साइड हाफ हाफ इंच निशान दे देना है और सेंटर की लाइन के साथ इस दोनों निशान को ऊपर की तरफ मिला देंगे। अब हम इसको कट कर लेना है तो देखिए मैं कट कर लिया है और यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट निकला है। तो एक पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट होगा और दूसरे हमारा बैक पार्ट होगा। तो बैक पार्ट की गला को 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ बढ़ा के कट कर लूँगी और बैक पार्ट पर भी टॉप्स का निशान दे देनी है। हम दोनों पार्ट में टॉप्स का सिलाई करेंगे, फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। तो देखिए हमारा दोनों पार्ट रेडी हो गया। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो स्लीव की लंबाई जितना है और प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर कपड़े को फॉल कर लेंगे। इस साइड से आर्मोल जितना होगा और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर फॉल कर लेना है। तो देखिए मैं इस तरह फॉल करके रख ली है। अब हम स्लीव की लंबाई 3.5 इंच है तो प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा 4.5 इंच पर निशान दे देंगे और यहाँ से नीचे की तरफ 2 इंच पर निशान देकर इस निशान की लाइन को सीधी बना लेंगे। अब स्लीव के आर्मल 6 इंच पर निशान देकर यहाँ पे भी प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और मोहरी 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ से आर्मल का छेद कर लेंगे और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का भी मार्किंग कर देंगे। हम स्लीव की अब कटिंग कर लेना है और एक बात ध्यान रखना है, बड़े लोगों के लिए स्लीव का फ्रंट की साइड और फ्रंट पार्ट का आर्मल की गलाई हाफ इंच अंदर की तरफ कट करना पड़ता है। तो ये हम छोटे बच्चे का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की आर्मोल का गलाई सेम रहेगा। अब हम अस्तर कपड़े को मेन कपड़े के ऊपर रख कर कटिंग कर लेंगे। और ये जो हमारा मेन कपड़े में से स्लीव कपड़े शॉर्ट हुआ है इसको इस छोटे कपड़े को जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं स्लीव पर छोटे कपड़े को जोड़ लिया है। अब हम ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे तो पहले हम स्लीव पर यहाँ पे पट्टी की सिलाई कर लेंगे और पट्टी को स्लीव की पीछे की साइड फोल करके उसके ऊपर सिलाई दे देंगे। पट्टी की सिलाई करने के बाद अस्तर कपड़े के ऊपर स्लीव का साइड को सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ पे जो स्लीव पर मेन कपड़े बच जाता है उसको हम कटिंग कर लेना है।
इस तरह से दूसरे स्लीव को भी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा दोनों स्लीव रेडी हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट की सिलाई लगाएंगे। तो फ्रंट पार्ट की अस्तर कपड़े और मेन कपड़े को एक साथ पूरे साइड सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद हम फ्रंट पार्ट की दोनों साइड टॉप्स का सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमारा दोनों साइड टॉप्स का सिलाई हो गया। अब मेन कपड़े से जो कपड़े बचा हुआ है उसको हम कटिंग कर देना है। उसके बाद हमने वेस्ट पर भी पट्टी की सिलाई कर देंगे। जैसे कि स्लीव पर पट्टी की सिलाई किए थे, अब इस पट्टी को पीछे की साइड फोल्ड करके उसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। और गले पर भी ऐसे ही पट्टी की सिलाई कर लेना है। गले पर एक सिलाई करने के बाद गले की पूरे साइड छोटा छोटा कट लगा देंगे, जो कि हमारा गले की पट्टी अच्छे से बैठेगा। अब गले की पट्टी को पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए मैं गले की पट्टी को सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। इस तरह बैक पार्ट को भी सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए मैं फ्रंट पार्ट जैसा बैक पार्ट को भी सिलाई कर लिया है। अब हम बैक पार्ट में हुक पट्टी लगाएंगे। तो बैक पार्ट को फोल्ड करके यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। अब बैक पार्ट की एक साइड को हुक पट्टी की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हुक पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगा कर गले की तरफ हाफ इंच एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फॉल करना है और पीछे की साइड हुक पट्टी को फॉल करके उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही दूसरे साइड हुक पट्टी की सिलाई कर लेना है। तो देखिए हमारा दोनों साइड हुक पट्टी की सिलाई हो गया। अब हम दोनों साइड हुक पट्टी को पिन से जोड़ देंगे। पिन से जोड़ने के बाद शोल्डर की सिलाई कर लेना है। देखिए मैं शोल्डर की सिलाई कर लिया। अब स्लीव की सिलाई करेंगे। तो स्लीव को फोल्ड करके उसकी सेंटर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे। उसके बाद हम इस सेंटर को शोल्डर के ऊपर रखकर स्लीव को यहाँ तक नाप लेंगे। देखिए मेरा स्लीव के आर्मोल के साथ नाप ठीक आता है। तो अब हम स्लीव की सिलाई कर लेंगे। इस तरह हम इस साइड की स्लीव को भी सिलाई कर लेना है। तो देखिए मैं दोनों साइड स्लीव की सिलाई कर ली है। स्लीव की सिलाई करने के बाद हम फिटिंग की दोनों साइड हाफ इंच छोड़ के यहाँ से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम सीधे साइड को अंदर की तरफ पलट देंगे। अब हम फिटिंग की मार्किंग करना है। तो वेस्ट की चौथा भाग यहाँ से 6 इंच पर एक निशान देंगे और चेस्ट की चौथा भाग यहाँ से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और स्लीव की मोहरी 4.5 इंच पर निशान देना है। निशान देने के बाद हम सीधी सिलाई कर लेंगे। ऐसे ही दूसरे साइड भी फिटिंग का मार्किंग करके सिलाई कर लेना है। तो देखिए मैं फिटिंग की सिलाई कर ली है। अब हम इसको पलट लेना है। तो देखिए हमारा गाल की ब्लाउज बनकर रेडी हो गया।